Karachi is dying. No shit, bro. Hi, Juneet Bhai. I've been following you for a long time. I want to know about your thoughts on Karachi. The city of lights has become the city of crime, injustice, and poor infrastructure. Politicians, leaders, criminals, and other people at higher positions have ruined the city. At the time of elections, they come and promise to do something for Karachi, but nothing the city seems to be ruined in every aspect anyone who is richer than the other person can do anything he wants no justice system and there is no one to question the system unfortunately it looks like we are living in a dead city higher crime rate higher corruption in every department of the city broken roads excessive traffic and no peace of mind my question is that have these leaders forgotten that they will never escape from the punishment one day of judgment? do they not fear allah about the haram money they have stolen yeah, right. people are dying just because of them. do you think that they ever think about what's going to happen when they die? we, the people of karachi, are hopeless. every day a son, a brother and a father gets up and leaves his house to earn for his family and he never returns home because on resistance the robbers shoot him in broad daylight, leaving his family in tears. The thing this is they never kill one man when they kill a person, they kill an entire family, and they kill humanity and they kill everyone who has been ever close to that person. May Allah save us from these corrupt leaders, politicians, and criminals. Allah only helps those who help themselves. We are unfair unfair to us ourselves. room <laughs> जहाँ आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी इट्स अ वेरी होपलेस सिटी एंड लाइक मेरा तो आधा कॉन्टेंट ही कराची पे होता है और इट्स बिकम सो फ्रस्ट्रेटिंग कि इतना कैजुअल है कि आप यार कल ना शार फैसल पे डंकिन डोनट्स वाला यू टर्न आता ना तो एक रिक्शा वाला जो कि नर्सरी से आ रहा था उसने यू यू टर्न लिया और फिर रॉन्ग वे फास्ट लेन में रॉन्ग वे शार फैसल पे हुआ और फिर ये वाला यू टर्न लेके उसने सीधा जाना था वो अंदर यू टर्न में फंस गया होगा तो उसने बोला यार मैं यहाँ से रिवर्स करने के बजाय मैं रॉन्ग वे करके ये कर लेता हूँ तो मतलब ब्लेटेंट लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस रूल तोड़ने में और मुझे तो लगता है यार ट्रैफिक पुलिस इज़ अ बर्डन ऑन आर बजट सीरियसली ये सिर्फ इसलिए प्रोटोकॉल के लिए खड़े होते हैं अगेन आई हैव माई रिस्पेक्ट फॉर ऑल पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मगर यार इतना भी नहीं होता है यार कि आपने अपना बिल्कुल काम ही करना छोड़ दिया है कुछ करते ही नहीं है और उनकी नज़रों के सामने लोग रॉन्ग वे चले जाते हैं बस बाइक वाले और रिक्शे वालों पे उनका जोर चलता है किसी गाड़ी वाले को वो पकड़ते नहीं है कोई हाई बीम पे आ रहा है कोई तेज़ हॉर्न देता हुआ आ रहा है कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है आए दिन कितने हम वो ग्रुप्स में देखते हैं कि गाड़ियाँ उल्टी हुई हैं नशों में चला दी या अंडर एज बच्चे चला रहे हैं कितनी बार हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे फिर जब वो बच्चे मर जाते हैं तो उनके माँ बाप रोते हैं आके मैं तो कहता हूँ उनके माँ बाप को जेल में डालना चाहिए कि आपकी वजह से एक बच्चे की जान गई बच्चे तो बच्चे होते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है यार बे बेगैरती है चारों तरफ और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता कोई काम भी नहीं करता कोई कहता है जी शहर जो है सेवेंटी टू परसेंट शहर कंटोनमेंट में आता है तो वो वो फ़ौज के कंट्रोल में है तो उसमें हम क्या करें कोई कहता है ये है कोई कहता है वो है अब ये पीछे वाली रोड जो है उसामा तुम कितने साल से आ रहे हो क्लिफ्टन तीन साल से तो रेगुलरली आ रहे हो ना कितनी बार टूटा हुआ देखा है वो नया बनता है फिर नया पाइप बनता है फिर नया पाइप बनता है फिर नया पाइप कल इधर ये मैं देख रहा था नेवल हाउसिंग स्कीम है इधर ठीक है ना वहाँ पर करोड़ों के घर नहीं अरब से ऊपर का घर आता है और उसके बाहर गटर का पानी खड़ा होता है मैं कहता तो हूँ बंदा यहाँ एक अरब का घर लेके भी गटर देख रहा है लाना था यार कोई वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर यार मैं एक अरब रुपये यार सर सौ करोड़ होते हैं वो लोग पूरी ज़िंदगी लगा लेते हैं एक करोड़ नहीं जमा कर पाते हैं और वो सौ करोड़ का खाली घर होता है जिसके बाहर गटर बह रहा होता है और फिर फ़ोन की तार फोन लाइन की तारें पता नहीं कहाँ और इंटरनेट की तारें और बिजली की तारें लटक रही हैं लाइक पीपल जस्ट डोंट या तो मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ या लोग बड़े बगैर है तो उनको नजर ही नहीं आती ये चीज़ें दे डोंट क्वेश्चन सो मैन यू डोंट क्वेश्चन दिस इज वॉट यू गेट आप पूछो ना किसी ठेकेदार से खड़ा होकर तू पाइप क्यों डाल रहा है और ये जब बन रहा था तब तू कहाँ मरा हुआ था वो बोलेगा टेंडर नहीं आया ये नहीं आया वो नहीं आया एंड यू ट्रेस दोज आंसर्स इट विल लीड टू डिप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर वट एवर जो भी है विद लाइक like, उनको आप होल्ड तो करो किसी किसी चीज़ के ऊपर पकड़ो तो सही क्वेश्चन तो करो कोई करता ही नहीं है वोल्टा आप पे चीज़ें खोल देंगे कि भाई अच्छा आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो उसमें ये नहीं है वो नहीं है दस हज़ार चीज़ें इट्स अ करप्ट सिस्टम टू द कोर और जिसने आपको इंसाफ देना है वो खुद कौन से सही हैं वो भी ऐसे ही हैं अब आप ये बताओ ना यार जिस कोर्ट ने आपको इंसाफ़ देना है उस कोर्ट के बाहर फुटपाथ पे पचास रुपये वाला स्टैम्प आपको दो सौ रुपये में मिल रहा होता है स्टैंप पेपर है ना कर लो जो करना है उस कोर्ट के बाहर भाई जज आके पूछ सकता ना कितने का बेच रहा है या पासपोर्ट ऑफिस में भी आप पूछ सकते हो ना बाहर क्या चल रहा है खुल्लाम खुल्ला चल रहा है यार पहले लोग ना रिश्वत छुप छुप के लेते थे शरमाशरमी में लेते थे अब मुँह से मांगते हैं भाई कितने लाए तो ये इतनी फैल गई है ना करप्शन मतलब वो कहते हैं ना कैंसर जब फैलता है तो इंसान की बॉडी अंदर से सड़ जाती है हम एक गले हुए सड़े हुए सिस्टम में रहते हैं भाई एक साहब को हमारे दोस्त की एक चीज़ फंस गई थी तो वो मुझे साथ ले गए और मैं बात कर रहा हूँ कोई पाँच छः साल पुरानी रिश्वत देने गए ठीक है मैं डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं लेता हम वहाँ गए जी कितनी रिश्वत देनी थी कोई ढाई तीन लाख रुपए रिश्वत देनी थी उनका सामान कोई मसला मसाइल थे तो अब हम फ़ोन कर रहे हैं वो उठा ही नहीं रहे अंकल ठीक है अंकल ने फ़ोन ही नहीं उठाया फिर चलते हुए आए मस्जिद से असर की नमाज पढ़ने गए हुए थे आस्ती ऊपर दाढ़ी माशाल्लाह जबरदस्त पांचे ऊपर चप्पल में चलते हुए हाँ जी ले आए सोलह जी ले आया कहरा लाओ दो अब वो दोस्त ने बोला ये हम बीस सड़क पे खड़े हैं सब देख रहे हैं थोड़ा साइड पर कह रहे हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं दो बीस सड़क पर उसने रिश्वत ली और वो मतलब बंदा हमेशा बात कभी भी ना टाइम से नहीं कि पाँच बजे आ जाओ या छः बजे असर के बाद आ जाओ मगरिब से पहले आ जाओ बात हमेशा इसी से ही करेंगे कॉल और फ़ेल में इतना तजाद कि एक बंदा नमाज़ पढ़ के निकला है और बीच सड़क पे खड़ा रिश्वत ले रहा है इंसान दस बार जिसके अंदर गैरत होती है तो ना वो थोड़ा सोचता है यार मैं क्या करके निकला और मैं क्या करने जा रहा हूँ अब हमारे जैसे सी एस एस के एग्ज़ाम्स होते हैं माशा बच्चे इतना पढ़ते हैं इतनी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं जनरल नॉलेज पढ़ते हैं इतना कुछ पढ़ते हैं फिर आगे जा रिश्वत लेते हैं अभी तो क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई का यार हद है यार अब इस पर एक पॉलिटिशन से मैं मिला था उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने ये कहा था कि यार एक एम एन की सीट आ गए नॉट जस्टिफाइंग करप्शन बट इज सेट एंड राइट फुली सो आई थिंक काफ़ी सारे अफसरों की तनख्वाह अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार है आजकल के दौर में आप एक बच्चा भी नहीं पढ़ा सकते इस तनख्वाह में राइट एम एन की तनख्वाह उन्होंने बताई थी कि दो ढाई लाख है एम एन की शायद तीन लाख है चार लाख है राइट right? अब उसमें इतना गुजारा आप नहीं कर सकते अगर आपके तीन बच्चे हैं चार बच्चे हैं जो आपके सामने इन्फ्लेशन का हाल है और सीट इतनी अटैम्प्ट है कि दरवाज़े पे हर बंदा दो चार करोड़ रिश्वत लेके खड़ा है एवरी डे हर रोज़ की बात है राइट right? तो भाई वो बंदा क्यों ना अटैम्प्ट या तो आप इसकी सैलरी इतनी कर दो कि वो कभी मांगे ही ना बोले वे ये क्या दे रहा है राइट right? खैर वो बात की बातें ये सिस्टेमिक ईशूज़ है और ये जानबूझ के ऐसे ही रखे गए हैं बहुत आसान है ट्रैफिक पुलिस अगर चाहे कि आज से फ़ाइन कर दे दस हज़ार रुपये रॉन्ग वे का ओवरटेकिंग का ये फ़लाना फ़लाना ये उससे होगा पता है क्या लोग फिर भी गलती करेंगे एक बार दस हज़ार देंगे उसके बाद ज़िंदगी भर वो वो जुर्माना नहीं करेंगे वो वो मर जाएंगे रॉन्ग वे नहीं आएंगे जिसकी तनख्वाही बीस हज़ार है वो दस हज़ार जब देगा ना उसकी फट के हाथ में आ जाएगी वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेगा अगर जुर्माना है ही दो सौ रुपये और उसकी रिश्वत सौ रुपये है तो वो रोज़ करेंगे राइट right? अब उसको मल्टीप्लाई कर लो बीस साल से राइट right? दो करोड़ लोग बीस साल से वही सौ सौ रुपये की वो छोटी अमाउंट है मगर पूल बहुत बड़ा है राइट राधा देन आप उनसे एक बार दस हज़ार लो आप उनसे महीने में दो चलान करके पांच पांच सौ रुपए करके आप अगले बीस साल में उनसे और ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हो दिस इज़ वाई दे डोंट डू इट वरना बड़ा आसान है जितनी क्यों मिडल ईस्ट में क्यों है चीज़ें सीधी इतनी पेनल्टी हाई है कि बंदा दस बार सोचता है जब कैमरा पड़ता है ना होश खाने आ जाते हैं छः सौ धिरम एक कैमरे का ओवर स्पीडिंग का जिसकी तनख्वाही बारह सौ है जो ड्राइवरी करता है पंद्रह सौ है उसकी तो हालत बुरी हो जाती है तो भाई पॉलिटिशन लीडर इन लोगों से उम्मीदें ना ही लगाएं शहर की ओनरशिप कोई भी नहीं है आ, शहर में ज़्यादातर लोग लोगों का ताल्लुक दूसरे शहरों से है अगेन देर इज़ नो कोई वो नहीं है कि किसी और शहर का बंदा यहाँ नहीं रह सकता बड़े शहरों की रौनक ही यही होती है कि हर हर जगह से लोग वहाँ काम करने आते हैं ग्लोबल ग्लोबल हब कह रहा हूँ फाइनेंशियल हब है जहाँ पैसा होगा वहाँ इंसान आएगा तो ये कह देना कि जी अफगानियों ने कब्ज़ा कर लिया कराची में पठानों ने कब्ज़ा कर लिया है, है बिहारियों ने कर लिया है ये गलत है सबका राइट है जो आ रहा है वो कमा रहा है हाँ अब उसको ओनरशिप भी देना साथ अब ये इंसान के अंदर इनकलकेट होती है उसकी तालीम और तरबत से जो कि है ही नहीं कि भाई जहाँ रह रहे हो वहाँ की इज्जत करो वहाँ का ख्याल रखो अब लोग चूंकि ओनरशिप नहीं लेते अब अक्सर मैं देखता हूँ चिंची वाले रिक्शे वाले हु आर विजिबली नॉट फ्रॉम हेयर अब वो अपने गाँव में गाँव में सड़क इतनी सी होती है वो वहीं से रिक्शा घूमता है गाँव में तो वो समझता है कि शहर में भी ऐसी घुमाना है तो वो ट्रेंड ही नहीं, नहीं है अब ये काम है यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को सीधा करना कि भाई तू जो करता होगा वहाँ पे वो वहाँ की चीज़ देखेगी लेकिन यहाँ पे ये यह नहीं हो सकता यहाँ पे अब जिन्होंने ये कर है वो करते ही नहीं काम वो कहता है जी लोग मानते नहीं हैं ये है वो है दस हज़ार चीज़ें बहानेबाजी आप देख लो किसी भी इस पर साइड पर बैठे होंगे पुलिस वाले छाओ में छतरी लगा के अगेन दिल से फील भी होता है यार आसान नहीं उनकी नौकरी इस गर्मी में बाहर खड़ा होना इस आवाम के साथ इस शोर में मिट्टी में लेकिन भाई थोड़ा काम भी तो कर लो सब साइड पे बैठे होते हैं टारगेट्स होते हैं टारगेट अचीव किए खली वल्ली जाय शहर बाड़ में अगर आपने क्लिप एंजॉय पर इन्जॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया